हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। कवर अप कर रहे हैं हम लोग बीईजीसी की जो कोर्स है, हमारी काफी सारे वीडियोस जो है बीईजीसी 132 के वो प्लेलिस्ट में अपडेटेड हैं। और भी वीडियोस डेली हम वीडियोस ला रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको आने में सुविधा और मैक्सिमम 2-3 दिन में बीईजीसी 132 की जो भी पूरी सिलेबस जो है, पूरी बुक जो है वो खत्म होने वाली है। शॉर्ट समरी इन हिंदी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी है, ठीक है। और हम लोग अभी कवर अप करेंगे, कुछ भाई जो मेरे थे उन्होंने कमेंट भी किया था कि उनको जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं एग्जाम्स के लिए, जो भी टर्म एंड एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए, जो कि वो है ना आराम से मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको देख के और क्वेश्चंस को मिला के एनालाइज करके, क्वेश्चन आपने एनालाइज करना है। अब एनालाइज मतलब होता क्या है, देखिए एनालाइज मतलब होता क्या है, ये एनालिसिस मतलब होता क्या, फिर एनालाइज मतलब होता क्या, ऐसी लगा देंगे एनालाइज हो गया, ऐसा लगा देंगे तो एनालिसिस हो गया। क्वेश्चन पूछा क्या है और आंसर हमें लिखना क्या है, ये दोनों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि द मैड लवर का ये मैड लवर के ऊपर में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि आपको ये बताना है कि क्या आपने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में, तो वो देना है। ये नहीं कि आपको मैड लवर पूछा तो आपने जो मैड लवर के राइटर है उनके बारे में लिख के आ गए, तो ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज कर लें और मेरे लेक्चर्स देख लें, अगर पढ़ लें, आप 70-80% आराम से स्कोर कर सकते हैं। 100% तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि 100% लाना इतना मतलब ये नहीं, ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ला सकते हैं अगर क्वालिटी की आंसर और चेकिंग आपकी होती है, ठीक है, और एनालाइज अच्छे से कॉपी मतलब चेकिंग होती है, टू द पॉइंट आपका आंसर रहा तो आपको पक्का 90 या फिर उसके अबव भी मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी पहले आप लोग आ रहे हैं चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बस ये नहीं कि आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपने करके जाना है और कुछ नहीं करेंगे, नहीं है। मैं अभी बीईजीसी 132 का जो भी है कम से कम 2 या 3 सेशन में लाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो उसमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि 2 क्वेश्चन मिला के, जैसे ये क्वेश्चन का भी आंसर सेम ही रहता है, ये क्वेश्चन का भी आंसर तकरीबन सेम ही रहता है, तो क्वेश्चन की पैटर्न थोड़ी सी चेंज होती है, लैंग्वेज क्वेश्चन में जो बोली है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ज्यादा वीडियो में बड़ा बनाने वाला नहीं हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो। जो भी मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, प्लीज चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए अगर आते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेके जाइए और नोट्स मेरे पढ़िए, जो भी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है नोट्स पढ़िए और आराम से प्रैक्टिस करिए और आराम से 70-80% लाइए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा, उस बाकी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और इसीलिए मेरे भाई प्यार जरूर बांटिए और जरा सा सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे 70% आराम से आप स्कोर कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा पूरी एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलेगी, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स होंगे, ये मैंने और भी मेरे बीजीसी जो भी क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। बीजीसी 132 की जो क्वेश्चन पैटर्न है, कितने नंबर्स होते हैं, क्या होता है, नहीं होता, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बिना लेट किए बढ़ते हैं आगे, और भी 2-3 सेशन आने वाले हैं तो चैनल पर बने जरूर रहिए, ठीक है, और भी सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे, बीजीसी 131 के आएंगे, बीवी के आएंगे, सारे कोर्सेज के मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ 1 by 1, ठीक है। तो आपका प्यार बहुत जरूरी है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे सब कुछ ये करते हुए देखिए, यहाँ पे ये देखिए 2-3 चीजें, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो अभी अगर मैं इसको चेंज करने के लिए जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टेक्निकल इश्यूज है, पर कोई बात नहीं, आपको मेरे ख्याल से विजिबल है। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग इन एन अबाउट 500 वर्ड्स, 500 वर्ड्स के बीच में लिखना है, 10 नंबर, ये आपका नहीं 250, ये जो है 250 वर्ड्स वो आपका 10 नंबर के, जो 500 वर्ड्स के हैं वो आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए व्हाट डू ओमेन टेक्स्ट से अबाउट ए वोमेन्स लाइफ, ओमेन्स की जो लिखावट है, जो लिखी थे ओमेन्स लोगों ने, वोमेन जो राइटर थे उनकी वोमेन लाइफ के बारे में क्या विशेषताएं या फिर क्या बताती है, राइटिंग से पहले क्या वोमेन की लाइफ थी, क्या नहीं, कैसे उन्होंने राइटिंग को लाया, क्या है नहीं है, वो पूरा आपको उस टेस्ट के थ्रू से बताना है। मीराबाई का जो चैप्टर वहां से आपको देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। Why does one need to study Dalit literature? Dalit literature को पढ़ना क्यों जरूरी है? इसकी playlist है, आने वाली है, अभी एक कल परसों तक आ जाएगी, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि Dalit literature पढ़ना क्यों चाहिए। अभी जो आने वाले next BEGC अभी तक uploaded है हमारे पास में BEGC 132 ब्लॉक 2 का यूनिट 3, तो यूनिट 4 में इसका मेंशन है और बाकी कुछ और भी नीचे कुछ चैप्टर्स हैं उसमें भी मेंशन है, तो सारे चैप्टर मिला के आपने लिखने। देखिए, हाउ डू दलित्स नैरेटिव्स टेल द स्टोरीज ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी, तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर तकरीबन आपके सेम ही होंगे, तो नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है।
बाकी अगर आपको चाहिए ठीक है आंसर्स क्वेश्चंस, तो मेरे जो फेसबुक पेज है वो सेम ही नाम से इग्नू अकेडमी, वहां पे मैं क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इग्नू अकेडमी के नाम से जो पेज है, लोगो मेरा जो चैनल में है वही है, सेम लोगो है ठीक है, वहां पे चले जाइएगा आप, वहां पे थोड़े से कम फॉलोअर्स आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो मैं वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहता हूँ और वहां पे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होगी इंपॉर्टेंट पीवीएसएस के क्वेश्चन आंसर्स आप वहां से ले सकते हैं, कर सकते हैं और कुछ नोट्स भी मैं वहां पे प्रोवाइड आपको कर दूंगा। और यहाँ पे बाकी मेरे लेक्चर्स तो आपको यूट्यूब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं ठीक है। 250 वर्ड्स में आपको लिखने हैं तो आपको 10 नंबर्स का लिखना पड़ेगा, कम से कम ढाई पेज लिखना पड़ेगा और 20 नंबर के लिए कम से कम आपको 3-3.5 पेज लिखना पड़ेगा। तो आराम से मेरे लेक्चर देख लीजिए, उसमें से ही आप अपना आंसर फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। देखिए ऐसे शॉर्ट नोट्स भी आएंगे जैसे भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, हिंदी और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल इंडियन लिटरेरी कल्चर अमंगस्ट सेवरल, मतलब इंडियन लिटरेरी जो कल्चर है अलग लोगों से, वेस्टर्न कल्चर से, ये सारे चैप्टर्स को मिला के आपने आंसर लिखने हैं ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है इस बारे में ठीक है, इससे पहले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको इसके आंसर्स, तो उसमें देख लीजिएगा हर जगह से क्या क्या इंडियन लिटरेचर में कौन किसने क्या डाला, राजा राव जी ने क्या डाला है, एम के नायक जी ने क्या कहा है इंडियन लिटरेरी राइटिंग के बारे में, तो ये आपको लिखना है कल्चरल बेसिस के ऊपर ठीक है। बाकी देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स, ये आपको लिखनी है, ये पांच नंबर दो सॉल्व करने होते हैं आपने, दो तीन सॉल्व करने होते हैं आपने, तो 5 या 10 नंबर रहता है। मैं आपको करेक्ट मेरा जो वो है एक्चुअली अभी थोड़ा सा पैटर्न्स चेंज हुए हैं ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आपको शायद 10 नंबर को भी देखने को मिल जाए ठीक है आगे चल के। तो मैं आपको नेक्स्ट में जब एग्जाम आने वाला हो तो इंपॉर्टेंट जब पॉइंट मैं बताऊंगा जो करंट अपडेट होगा क्वेश्चन आंसर रिलेटेड में कितने नंबर कहाँ से क्या आने वाले हैं, तो मैं वो आपको अपडेट कर दूंगा बहुत जल्द ठीक है। अब देखिए ऐसे कुछ आपको पैसेजेस दे दिए जाएंगे, एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा जहां से आपको मीनिंग लिखना है। लॉन्ग एज स्ट्रेस इज द नाइट ऑफ पार्टिंग, द डे ऑफ लव इज शॉर्ट एज लाइफ, इफ आई सी नॉट माई लव ओ फ्रेंड हाउ कैन आई स्पेंड डार्क नाइट्स ऑफ ग्रीफ। तो यहाँ पे जो कहा गया है यहाँ पे मतलब एक मतलब अपने बिलवेड से जो बिछड़ने का बात हुआ है, मैंने पोएम में भी पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा उसमें ठीक है, वो आपके मिल जाएंगे आमिर खुसरो जी के पॉइंट में, मतलब जो पोएम है ठीक है बुल्ले शाह के जो पोएम है वहां पे ये लाइंस दी गई हैं, तो वहां से वो लाइंस पिकअप करते हैं, तो वो पॉइंट मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी करके रखा है, तो एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आई वॉज इन द बिगिनिंग, आई वुड बी देयर इन द एंड, हु कुड बी वाइजर देन मी, नन एल्स इज प्राइम्ड ऑफ दिस सीक्रेट दो आई नो नॉट हु आई एम। ये आपका बुल्ले शाह से लिया गया है एक्सट्रैक्ट, तो बुल्ले शाह कहते हैं क्या है कि भगवान से दुनियादारी छोड़ के भगवान से जुड़ना चाहते हैं ये है ठीक है, उनकी जो भगवान के साथ में जो रिलेशन है वो डिपिक्ट किया गया है। तो ये सारे चीजें जो आपको है ना, सारे चीजें आपको मेरे जो पढ़ाए गए लेक्चर्स हैं बीजीसी 132 की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी ठीक है। उसके लिए आपको कुछ करना कुछ नहीं है ठीक है, उसके लिए आपको ऐसे प्लेलिस्ट की इमेजेस देखने को मिल जाएगी, उसी प्लेलिस्ट में देखिए लिखा हुआ है एमके नायक एंड द इशू ऑफ लैंग्वेज, वहां पे मिल जाएगा। ये चैनल का लोगो है हमारा और यही पेज का भी लोगो है इग्नू अकेडमी, देख लीजिएगा ठीक है। आपके जो क्या बोलते हैं जो भी मतलब जो भी आते हैं हमारे भाई फॉलोअर्स जो हैं वो पेज में चले जाइए, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं ठीक है। और साथ ही में क्या है मेरे और या फिर अब मेरे से फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा प्रोफाइल नेम है राजवीर पांडे ठीक है, राजवीर पांडे मेरा प्रोफाइल नेम है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और वहां से आप इग्नू अकेडमी को फॉलो कर लीजिएगा ठीक है, सबसे आसान तरीका है अगर आपको नहीं मिलता है तो। चलिए जो भी मेरे दोस्त है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, उनके लिए ये गुलाब की फूले ठीक है, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे भाई मेरे से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करे हैं, लाइक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, रेगुलर जुड़े हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ये गुलदस्ता छोटा सा ठीक है। दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करना है जो भी मेरे भाई आते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने काफी कुछ कह दिया है आपको ठीक है, और इतना ज्ञान मैं दूंगा नहीं क्योंकि आपके पास बहुत सारा चीज है, बस आपको इतना ही ज्ञान दूंगा कि आप थोड़ा सा मेहनत करिए, 10-15 मिनट बिताइए आपके लिए और मैं आपके लिए मेहनत करे जा रहा हूँ, आप लोग बस प्यार बांटते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, वीडियोस आते रहेंगे और लेक्चर्स भी आते रहेंगे, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस भी आते रहेंगे। अगर आपको आंसर्स भी चाहिए कुछ चीजों के, बाकी तो आंसर्स मैंने अपने लेक्चर में बता ही दिया है ठीक है, वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, मैंने बता दिया है अपना एड्रेस, जुड़ जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।